जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, और ये कवर होगी हमारे तीन बुक से। पहला होगा लुशियन जनरल ऑब्जेक्टिव, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। दूसरा होगा लुशेंट का ही जो सब्जेक्टिव आता है इंग्लिश मीडियम, और तीसरा होगा लुशेंट का ही जो सब्जेक्टिव आता है हिंदी मीडियम। मतलब कि ये वीडियो मैंने तीनों बुक को बहुत ही रिसर्च कर बनाया है, कि जिससे इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी सारे स्टूडेंट्स को एक ही जगह सारा का सारा टॉपिक आपको लुसेंट का मिल जाएगा। आपको और कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। आप अपने इस भाई पर बिल्कुल भरोसा करिए। आप इस वीडियो को, मतलब मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे जितने भी आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो लुसेंट से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, मैं आपको पक्का पूरा रिसर्च करके ही, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। मतलब कि ये जो लुसेंट का जो सीरीज चलने वाला है आने वाले कुछ महीनों तक, तो उसमें आपको पूरा लुसेंट का पूरा एक एक चीज मिलेगा, कुछ आपको नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है, आपके भाई की गारंटी है। इसीलिए आप इस वीडियो को और आने वाले जितने वीडियो हैं उसको आप जरूर देखिए, और लुसेंट का टेंशन बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद आपको 5 घंटे 6 घंटे जो लुसेंट आप लोग पढ़ते हैं, वो 5 घंटे की बचत आप आधे घंटे में बिल्कुल आराम से समझ जाइएगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्योंकि आपका भाई ही आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, इसलिए आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक मेरे मोटिवेशन को और बढ़ाएगा, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो बहुत सारे लाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। मैं ये जो मेरा लुशियन का सीरीज का पहला क्लास है, मतलब क्लास 1 है, तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे लुशियन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। अब स्टार्टिंग से चलते हैं कि भाई हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री मतलब इतिहास, हिस्ट्री मतलब जो चीज़ें हम लोग बीत चुकी हैं उसके बारे में लोग पढ़ते हैं, मतलब कि पास्ट के बारे में। आप एग्जांपल दीजिए कि आपसे 10 साल पहले आप कहीं भी होंगे, क्लास में होंगे, वो चीज़ें बीत गई, अब आपके पास मतलब उसके बारे में, अगर आप उसके बारे में फिर से जानने की कोशिश करिएगा तो एक हिस्ट्री हो गया। उसी तरह हम लोग इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। हिस्ट्री जनरली हम लोग पढ़ते हैं 1947 तक ही, या 1950 तक ही हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं। तो अब ये इंडियन हिस्ट्री हमारे 3 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट है आपका इंडियन हिस्ट्री, बांटा गया एंशियंट मतलब प्राचीन इतिहास, जिसका साल लगभग 3000 BC टू 650 AD, मतलब 650 AD तक वो चला एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेडिएवल, मेडिएवल मतलब मध्यकालीन भारत। तो ये जो मध्यकालीन भारत का दोस्तों टाइम था, वो टाइम पीरियड था आपका 650 AD से 1717 AD तक, मतलब कि जो मध्यकालीन भारत चला उसका टाइम था आपका 650 AD से इसका स्टार्टिंग हुआ था, और 1717 AD तक ये चला मध्यकालीन भारत, मतलब मेडिएवल इंडिया। उसके बाद आपका आता है मॉडर्न, जो कि मॉडर्न हमारे कंपटीशन लेवल में मॉडर्न से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मॉडर्न को आप अच्छे से पढ़िएगा, हम थोड़ा सा स्किप मत करिएगा, बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास हुआ था आपका 1717 AD से लेकर हम लोग 1947 तक, हमारा जब देश आजाद हुआ था, इंडिया आजाद हुई थी, तब तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग लेकर चलेंगे। अब अगला टॉपिक है दोस्तों कि फर्स्ट हमारा, आप देख लिए कि हमारे इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो अब हम लोग इसके बारे में, तीनों के बारे में हम अच्छे से डिटेल वाइज एकदम डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि भाई एंशियंट में हुआ क्या था। एंशियंट मतलब सबसे पुराने, मतलब मेडिएवल से भी पहले, मतलब उस समय में वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल, ये सब एंशियंट में आते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से आराम से पढ़ेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब दोस्त फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है एंशियंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहला हम लोग का टॉपिक आता है कि प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी हुई कैसे, मतलब कि हम लोग कैसे मालूम चले कि वो प्राचीन भारत के इतिहास में हुआ क्या था। मतलब कि प्राचीन भारत में, जैसे हम लोग तो वहाँ टाइम मशीन से चले नहीं गए होंगे कि भाई कैसे देखें कि भाई प्राचीन भारत कैसा था, मतलब कहीं ना कहीं से हम लोग देखे होंगे, सुने होंगे या पढ़े होंगे, या खुदाई उदाई करने के बाद जो भी निकलता है ना उससे, मतलब उसका देखने के बाद हम लोग को पता चला होगा कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनकी रहन सहन कैसी थी, वो लोग कैसे रहते थे, सब हम लोग ये कैसे, मतलब कि हाउ, मतलब हम लोग उसके बारे में कैसे जाने। तो वो दोस्तों आपका आता है इस टॉपिक में, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, मतलब कि प्राचीन भारत इतिहास हम लोग कैसे मालूम चले। तो
उसके जनरली दोस्तों चार चार मेथड से हम लोग प्राचीन भारत इतिहास के बारे में मालूम चलता है। पहला है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ। बहुत सारे हमारे देश में धर्म ग्रंथ हुए, जैसे वेद हुए, महाकाव्य हुए, रामायण, महाभारत, ये सब हमारे धर्म ग्रंथ में आते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ से हम लोग प्राचीन भारत के बारे में कैसे मालूम चला। दूसरा टॉपिक है दोस्तों हिस्टोरिकल बुक, मतलब बहुत सारे जो हिस्टोरियन थे, लेखक थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने उस जमाने के बारे में किताब में लिखा था, उस जमाने के राजा कैसे होते थे, सोसाइटी कैसा होता था, इसके बारे में वो लिखकर चले गए। और वही कभी कहीं कहीं मतलब पांडुलिपि वगैरह पाया जाता है, मतलब कटे फटे मतलब वो हिस्टोरियन को मिला। तो यही हिस्टोरिकल बुक के माध्यम से, मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से भी हम लोग को एंशियंट प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में मालूम चलता है। अगला जो सोर्स था, स्रोत था, वो है डिटेल्स ऑफ फॉरेनर। फॉरेनर मतलब विदेशी। जो विदेशी होते थे वो हमारे देश में आते थे, घूमकर चले जाते थे। मान एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए इटली से कोई आया, वो हमारे देश में आया, घूमा, अपने देश में गया, तो वहां जाने के बाद वो इंडिया के बारे में लिखते थे कि भाई हम लोग इंडिया में ऐसे गए, वहां पर ऐसे ऐसे लोग पाए गए, ऐसे लोग मतलब हम लोग का मतलब स्वागत किए, मतलब राजा महाराजा यहाँ के ऐसे थे, यहाँ का सोसाइटी ऐसा था, ज्योग्राफी ऐसा था, भूगोल ऐसा था, नदियां ऐसी थी, मतलब सबके बारे में वो अब जाते थे और विवरण कर देते थे। मतलब कि ये जो विदेशियों का विवरण था वो लोग अपनी किताब लिखते थे, उसमें पूरे के पूरे मतलब बता देते थे कि जिस एरिया में घूमते थे उस एरिया के बारे में। तो वही जो किताबें हम लोग को मिली उससे भी हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में मालूम चलता है। अगला दोस्तों ये है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व संबंधी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो होता है, मान लीजिए आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं खुदाई करने वाले, वो किसी जगह की खुदाई करते हैं, तो उसमें से जो चीजें मिलती हैं, जैसे प्लेट मिल गया, पुराने जमाने का हड्डी मिल गया, और कपड़े मिल गए, मतलब बहुत कुछ तो कुछ मिलते हैं, उनको रिसर्च करते हैं कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा। वो देखते हैं कि भाई कितने साल पुराना है, देखने के बाद भी वो लोग बता मतलब उसमें छानबीन करते हैं कि भाई उस समय का माहौल कैसा था, आदमी कैसे थे, कैसे दफनाया जाता था। तो ये सभी पुरातत्व संबंधी सोर्सेज से भी हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में मालूम चलता है। तो दोस्तों अब आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये तो आप देख लीजिए कि सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत आप लोग देख लिए। पहला क्या था, स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथ, दूसरा क्या था हिस्टोरिकल बुक, तीसरा था विदेशियों का विवरण, चौथा हमारा क्या था आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व संबंधी सोर्सेज। इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि भाई धर्म ग्रंथ में क्या क्या पता चला, हिस्टोरिकल वाला में क्या क्या पता चला, फॉरेनर्स वाले में क्या क्या पता चला, और आर्कियोलॉजिकल में इसको हम डिटेल को अब अगला टॉप इसी को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप मत करिए, अपने भाई पर विश्वास करिए, आपका कुछ भी लूसेंड से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, बीसी और एडी का मतलब क्या होता है। हाँ दोस्तों, बीसी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए हमारा जो अभी हम लोग जिस समय में रह रहे हैं 2021 मतलब 2021 एडी, तो ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2021 मतलब कि जब भी एक एडी से स्टार्ट हुआ था, मान लीजिए कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ एक एडी में, तो उसके बाद से जो भी समय हुआ वो एडी में आता है। मान लीजिए एक एडी में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उनके 100 साल हुआ बाद हुआ 100 एडी, उनके जन्म से 2 साल बाद हुआ 200 एडी, मतलब ये बढ़ते आता है। मतलब कि अभी जो 2021 चल रहा है इसका मतलब यही होता है कि आज से लगभग 2021 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसके बाद से एडी मतलब बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। उससे पहले क्या था बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो टाइम था वो घट रहा था, मतलब जैसे पहले 3000 बीसी आया, उसके फिर आगे आया, मतलब आगे बढ़ने पर 2000 बीसी, 1000 बीसी, 500, 100, मतलब कि वो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में साल आता है उससे ये पता चलता है कि जैसे 3000 बीसी बहुत पुराना हो गया और 1000 बीसी कम हो गया, मतलब समय ऐसे आता है। आप मान के चलिए कि आप छत पर से आ रहे हैं, 10 तल्ला जो बिल्डिंग से आप सीधे नीचे आते हैं, तो मान लीजिए 10वां फ्लोर हो गया आपका बीसी, 9वां हो गया 9 बीसी, मतलब धीरे धीरे आप एडी की तरफ आ रहे हैं, मतलब आपका समय धीरे धीरे कम हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है एडी, और एडी के बाद फिर से वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, यही बीसी और एडी का मतलब होता है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे, और अब आगे चलते हैं हम लोग का ये पूरे डिटेल में स्क्रिप्चर यानी धर्म ग्रंथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि धर्म ग्रंथ में ऐसा क्या क्या था जिसके बारे में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में मालूम चला।
चलिए आप इसको, अगर स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा वैदिक कल्चर, मतलब कि वैदिक संस्कृति। और ये जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक कल्चर है, ये हमारा 1500 बीसी से 600 बीसी तक आता है। मतलब कि धर्म ग्रंथ ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या था, स्क्रिप्चर यानी धर्म ग्रंथ। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वैदिक कल्चर, मतलब वैदिक संस्कृति। इसका टाइम था 1500 बीसी से 600 बीसी, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति, टाइम 1500 बीसी से 600 बीसी। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्यन के बारे में कि आर्यन कौन थे। दोस्तों आज के डेट में आर्यन लोग जनरली ऊंची जाति के, सुपीरियर क्लास के जो लोग होते थे उनको मान्यता मिली है कि आर्यन यही होते थे जो अपर कास्ट से आते थे, ऊंची जाति से आते थे। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि आर्यन इंडियन थे, मतलब कि वो हमारे देश के ही आर्यन थे। और बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि नहीं, आर्यन विदेशी हैं। अब देखते हैं कि आर्यन कहाँ के थे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे लोग हैं उसमें पहला है क्या, मैक्स मूलर। ये जो मैक्स मूलर है ये विदेशी राइटर था, विदेशी हिस्टोरियन था। इसने यही बोला है कि आर्यन कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों हाँ दोस्तों, ये जो मैक्स मूलर थे, हिस्टोरियन थे मैक्स मूलर, उन्होंने यही बोला कि जो आर्यन इंडिया में थे वो लोग आए थे सेंट्रल एशिया से आए थे। और कहां आए थे, सबसे पहले हमारे इंडिया के जो वेस्टर्न फ्रंटियर था, जो पंजाब का इलाका है, जिसको हम लोग आज के नाम या उस नाम से सप्त सिंधु वगैरह कहते थे, क्योंकि वहां पर सिंधु नदी बहुत ज्यादा है और सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरी नदियां हैं वो भी वहां ज्यादा पाई जाती हैं। इसीलिए उस इलाके को हम लोग सप्त सिंधु के भी नाम से उस जमाने में जाने जाते थे। तो यही जो मैक्स मूलर ने बोला कि ये जो आर्यंस थे सबसे पहले सेंट्रल एशिया से आए, धीरे धीरे आकर हमारे जो वेस्टर्न इंडिया थे, जो हमारे पश्चिमी भाग था, हमारे भारत देश का जो पश्चिमी भाग था, जो आज के डेट में पाकिस्तान और पंजाब वगैरह में पाया जाता है, तो वहां पर आके वो लोग आर्यन सेटल हो गए, रहने लगे, बहुत साल तक रहे। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में घुलते घुलते गंगा यमुना तक पहुंच गए। तो ये मानना किसका था, मैक्स मूलर का। और जो दूसरे जो हमारे इंपॉर्टेंट आदमी थे, हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरियन थे, वो लीडर थे, वो बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या बोला कि नहीं, आर्यन जो सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, ये यूरोप से या आर्कटिक रीजन से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों, ये जो बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आर्यन जो हमारे देश में आए वो आए थे यूरोप या आर्कटिक रीजन से आए और हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर पर आके सेटल हो गए, पाकिस्तान वाले इलाके, सिंध वाले इलाके पर आके रहने लगे, उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में फैल गए। लेकिन दोस्तों इन दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट मान्यता है, सबसे पॉपुलर बिलीफ ये है कि जो आर्यंस थे सेंट्रल एशिया से आए थे, जो कि मैक्स मूलर ने बताया था कि मैक्स मूलर क्या बोला था कि जो आर्यंस थे सेंट्रल एशिया से आए, हमारे देश के पश्चिमी भाग पर रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, लोगों के साथ घुल मिल गए और बाद में धीरे धीरे हमारे देश में चले गए। तो ये जो मैक्स मूलर का जो कॉन्सेप्ट था, सेंट्रल एशिया वाला, मध्य एशिया वाला, वही पॉपुलर बिलीफ माना गया कि आर्यंस वहीं से आए थे। तो आप लोग सोचिएगा कि भाई सेंट्रल एशिया बाल गंगाधर तिलक के बाद क्यों नहीं माना गया, आखिर सेंट्रल एशिया से ही क्यों आए थे, ये आप कैसे कर दिए सर। तो ये आपका क्वेश्चन पूछना बहुत ही सही है कि भाई मैक्स मूलर ही सही क्यों, बाल गंगाधर तिलक सही क्यों नहीं। तो उसका रीजन ये है कि सेंट्रल एशिया जो थ्योरी था, मध्य एशिया, तो उसमें एक बोगज काई इंस्क्रिप्शन, मतलब कि बोगज कोई एक जगह है जिसको हम लोग एशिया माइनर के नाम से जाने जाते हैं। फिर से बोलते हैं दोस्तों, जो सेंट्रल एशिया जो थ्योरी था, मध्य एशिया का जो कॉन्सेप्ट जो दिए थे मैक्स मूलर, उसको साबित किया, उसको सही साबित कौन सा किया, जो बोगज कोई जगह है जो कि तुर्की में पाया जाता है, इसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाते हैं। उसी से मतलब जो इंस्क्रिप्शन खुदाई हुई तो उससे जो सबूत मिले, इससे हम लोग को पता चला कि जो सेंट्रल एशिया मध्य एशिया वाला थ्योरी था वही कुछ हद तक सही था कि आर्यंस वहीं से आए थे। तो अब दोस्तों पूछिएगा कि भाई उस बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में, बोगज कोई का जो खुदाई हुआ था एशिया माइनर तुर्की, उसमें ऐसा क्या था कि आप कहते हैं कि भाई सेंट्रल एशिया मतलब ये थ्योरी सही रहता है। देखिए उसमें क्या था, तो उसमें क्या था दोस्तों, जब खुदाई हुई तो उसमें चार वैदिक गॉड्स, मतलब कि जो हमारे जमाने में जो वेदा में जो गॉड
की जो जिक्र होती थी, भगवान की जिक्र होती थी, वो चार वैदिक गॉड का वहां पर नाम पाया गया। हाँ, वहां जो शिला लेख होता है उस पर इन लोगों का नाम गुदा हुआ था। उनमें से चार देवता कौन कौन थे, चार वैदिक गॉड कौन कौन थे? सबसे पहला था इंद्र, जो इंद्र भगवान है वो, उसका भी नाम वहां पर था। दूसरे थे अग्नि, तीसरा था मित्र और चौथा था नसत्याज। मतलब कि ये चार वैदिक गॉड बोगाज कोई एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन में इनका जिक्र हुआ। फिर से बोलते हैं, फर्स्ट इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा मित्र और चौथा नसत्या। तो ये सभी इंस्क्रिप्शन को देखने के बाद लोगों ने ये माना कि जो मैक्स म्यूलर की जो थ्योरी था, जो आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे, हमारे देश के पश्चिमी भाग में रहने लगे थे, ये कुछ हद तक सही माना जाने लगा। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं, वैदिक कल्चर में आगे वेदा वगैरह के बारे में बताएंगे कि वैदिक लिटरेचर को कितने भागों में बांटा गया। तो आप इस चैनल को बिल्कुल देखते रहिए लास्ट। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग वैदिक लिटरेचर, मतलब कि वैदिक साहित्य के बारे में। ये जो वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य है, इसका डेट है 1500 BC से 600 BC। जी हाँ, 1500 BC से 600 BC के बीच ये वैदिक लिटरेचर वगैरह लिखा गया था। अब दोस्तों वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आते हैं, हमारे चार पोर्शन कवर होते हैं वैदिक लिटरेचर में। कौन कौन सा है? पहला है संहिता और वेदा, जिसके अंडर में हम लोग वेदा के बारे में पढ़ेंगे कि वेदा कितने टाइप के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे देखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वैदिक साहित्य में हमारा चार पोर्शन कवर करना है, पढ़ना है, जिसमें से पहला है संहिता और वेदा, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है अरण्याच, अरण्या जिसको हिंदी में बोलते हैं, चौथा है उपनिषद। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ये वैदिक साहित्य में चार पोर्शन कवर करेंगे आगे। फर्स्ट आपका संहिता और वेदा, दूसरा हमारा क्या है ब्राह्मणा, तीसरा है अरण्या, चौथा है उपनिषद। इसके बारे में हम लोग डिटेल से लाइन बाय लाइन देखेंगे कि भाई लोग में होता क्या है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेदा के बारे में। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वेदा। तो दोस्तों आपको पता है कि वेदा कौन लिखा था? जी हाँ, वेदा को लिखने वाले थे महर्षि वेदव्यास। ये आप याद रखिएगा, कौन थे? वेदव्यास। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि वेदा को कौन लिखा था, तो आप क्या आंसर मारिएगा? वेदव्यास। तो दोस्तों वेदा के बारे में और ये कहा गया है कि वेदा अपौरुष या नित्य है। अपौरुष मतलब क्या होता है कि नाइदर क्रिएटेड बाई मैन, मतलब कि ये अपौरुष मतलब होता है कि गॉड गिफ्टेड है। मतलब वेदा को किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने हमें दिया है। लेकिन लिखने वाले कौन थे? वेदव्यास। क्यों थे? क्योंकि वेदा तो मतलब भगवान का देन है, और इसको लिखे थे महर्षि वेदव्यास ने। और फिर क्या है? नित्य, एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, मतलब ये सभी जगह है, सभी जगह मौजूद है वेद। ठीक है, बस इसको हमको समझने की जरूरत है। तो आप लोगों ने देखा क्या दोस्तों कि वैदिक लिटरेचर 1500 से 600 BC, इसके अंदर में पाए जाते हैं चार टॉपिक, संहिता और वेदा, दूसरा क्या है ब्राह्मणा, तीसरा है अरण्या और चौथा है उपनिषद। इसको आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए कि वैदिक साहित्य ये चार ही होता है, और इसको हम लोग डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। दोस्तों अगर हम लोग वेदा के बारे में बात किया है, तो हमारे देश में चार टाइप के वेदा हुए, और उनमें से सबसे पहला कौन सा था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ दोस्तों, अगर वेदा सेक्शन में हम लोग बात किया जाए, अगर हम लोग वेद के बारे में बात किया जाए कि हम लोग का अभी का टॉपिक वेदा है, तो इसमें आप लोग चार वेदा जरूर याद कर लीजिए। पहला था ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इसको आपको याद करना होगा। और हमारे वेदा में ये जो चार वेदा हैं, सबसे पुराना कौन सा वेदा है? ऋग्वेद। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? ऋग्वेद। मतलब कि जितने भी वेदा हैं वो सबसे, उनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, और इसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट भी बोला जा सकता है। अब दोस्तों वेदा की बात किया जाए, तो ये क्या होता है? ये होता है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, मतलब ऋचाओं का संग्रह। मतलब ऋग वेदा के अंदर में आपको बहुत सारे कलेक्शन ऑफ लिरिक्स मिल जाएंगे, ऋचाएं मिल जाएंगी। और क्या होता है, ये सबसे ओल्डेस्ट प्राचीन वेदा तो है, मैंने आपको बताया अभी। फिर है, इस वेदा में 1028 हाइम्स, मतलब 1028 सूक्त पाए जाते हैं, और 10580 वर्सेस, मतलब ऋचाएं पाई जाती हैं। ये सभी ऋग वेदा का है।
फिर दोस्तों ऋग्वेदा में आपको 10 मंडल मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेदा में कितने मंडल होते हैं, 10, जिसमें से 6 जो मंडल हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दूसरा नंबर से लेकर 7वां नंबर तक जो कि 6 मंडल है वो आता है आपका गोत्र या वंश मंडल, जिसको हम लोग कुला ग्रंथ भी बोलते हैं। हाँ दोस्तों आप याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल, उसमें से जो 6 मंडल हैं, 6 मंडल दूसरा से लेकर 7वां तक उसको बोला जाता है गोत्र या वंश मंडल कुला ग्रंथ। अब दोस्तों देखिए जो ऋग्वेदा का 9th मंडल है उसको सोम देवता को वो समर्पित है, इसलिए उसको सोम मंडल बोलते हैं। हमारा जो 10वां मंडल है सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको भूलना बिल्कुल नहीं होगा, 10वां मंडल क्या है, पुरुषासुप्त। अब दोस्तों आप सोचिए भाई पुरुषासुप्त इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पुरुषासुप्त इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी पुरुषासुप्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको 4 वर्ण के बारे में, 4 कास्ट के बारे में हम लोग को जानकारी मिली। कौन कौन से थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, मतलब कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम लोग पुरुषासुप्त पढ़ेंगे। पुरुषासुप्त में क्या पाया गया, 4 वर्ण 4 कास्ट के बारे में, जिसमें से था पहला ब्राह्मण जो कि ब्रह्मा के मुख से निकाला माना जाता है, दूसरा क्या था क्षत्रिय जो कि ब्रह्मा के कंधों से माना जाता है, तीसरा हमारा क्या था वैश्य जो कि ब्रह्मा के जांघों से निकला हुआ माना जाता है, और चौथा हमारा क्या है शूद्र जो कि सबसे निचली पैर जो सबसे निचला भाग होता है उससे निकला माना जाता है। और दोस्तों हम लोग ये 8वां मंडल, 8वां मंडल क्या पाया जाता है, खील, जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है इसको खील मंडल भी बोलते हैं। और तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल में ही हमारे गायत्री मंत्र जो कि ओम भूर्भुव सतत सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है ये हमारा कहाँ से आया है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल से, जिसको लिखने वाले थे विश्वामित्र ने। हाँ ये याद कर लीजिएगा। फिर आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रिसाइटेड, मतलब कि ऋग्वेदा को कौन रिसाइटेड किया था, इसके पाठकर्ता का नाम क्या है, तो आप देखिएगा इसका नाम क्या था, होत्री। ये दोस्तों हमारा हो गया ऋग्वेद, फिर से रिवीजन कर लीजिए, ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद, ये कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, मतलब कि ऋचाओं का मतलब संग्रह है। फिर क्या था, इसमें 10 मंडल होते हैं जिसमें से पहला और 10वां मंडल बाद में आया था, और जो हमारा 6 मंडल है वो जो कि 2nd से लेकर 7th तक वो क्या था, कुला ग्रंथ, जिसमें कुल और गोत्र वगैरह के बारे में जानकारी मिला था। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र से, 8वां मंडल में हम लोग का सोम, 9वां मंडल में सोम मंडल था, 8वां खील था, और 10वां सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, पुरुषासुप्त, 4 वर्ण वाला सिस्टम, ये याद रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसको पाठकर्ता का नाम क्या था, होत्री। अब हम लोग 2nd यजुर्वेद की बारे में बात किया जाए, तो यजुर्वेद क्या था, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर रिचुअल, इसका मतलब होता है कि जब कभी यज्ञ वगैरह होते थे ना, उसमें नियम और कानून, मतलब यज्ञ जो बड़े बड़े राजा महाराजा, आज के डेट में भी यज्ञ वगैरह होता है, तो उन यज्ञ को करने का विधि नियम कि कैसे यज्ञ किया जाए, क्या घी डाला जाए, कितना देर होना चाहिए, क्या सैक्रिफाइस होना चाहिए, और इसे मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन, और मंत्र मतलब मंत्र पढ़ने का भी एक नियम होता था, और बलि कैसे दिया जाता था, ये सब के बारे में जानकारी हम लोग कहाँ से मिली, यजुर्वेद से। और इसमें दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्या था कि इसके पाठकर्ता, मतलब कि ये जो यजुर्वेद थे इसको पाठकर्ता कौन थे, अत्र वायु, तो ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। तो अब हम लोग चलिए आगे, 2 और बच्चे हैं, तीसरा क्या है हमारा सामवेद, चौथा क्या है अथर्ववेद, इसको अच्छा। दोस्तों हमारा जो अगला वेदा है ऋग्वेद और सामवेद के बाद, नहीं ऋग्वेद यजुर्वेद हो गया, अब हमारा क्या है सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो सामवेद के बारे में देखते हैं, तो ये क्या है, बुक ऑफ चैंट्स, बुक ऑफ चैंट्स मतलब इसमें बहुत सारी संगीत के रिलेटेड भाषाएं मतलब इसमें है, और इसमें है आपका 1549 वर्सेस इसमें पाए जाते हैं, इसमें मतलब कि सामवेद के 75 वर्सेस को छोड़ दिया जाए तो इसमें से जितने भी वर्सेस हैं वो कहाँ से लिया गया है, हमारा ऋग्वेद, मतलब सामवेद में जितने भी आपका ये वर्सेस वगैरह उठाया गया है, हाइम उठाया गया है, मैक्सिमम आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ज्यादातर ऋग्वेद से लिया गया है। और दोस्तों ये सबसे, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि ये हमारा भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, मतलब ये जो सामवेद है ये इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन म्यूजिक। और इसमें क्या देखते हैं कि इसके रिसाइट है, मतलब इसको पाठ करता, इसको पाठ करता मतलब इसको पाठ करने वाले, इसको रिसाइट करने वाले जो इम्पोर्टेंट क्या थे,
उद्गात्री थे, उद्रत थे। तो ये था हमारे दोस्तों सामवेद। सामवेद के अंदर में बस कुछ ही बातें ज्यादा है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन म्यूजिक, मतलब ये हमारे भारतीय संगीत का जनक माना गया है। इसके पाठकर्ता को हम लोग आदृत कहते हैं, उद्गात्री कहते हैं। ये लगभग 1549 वर्सेस इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से 75 को छोड़कर मैक्सिमम ये ऋग्वेद से लिया गया। अब ये जो हमारा अथर्ववेद है ये सबसे लास्ट है। कुछ समय तक तो लोगों ने इसको वेद मानते ही नहीं थे, वो कुछ समय तक अथर्ववेद को वेद के कैटेगरी से एकदम अलग रख दिए थे, लेकिन कुछ समय बाद ये वेद के कैटेगरी में आया। इसमें दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ डिजीजेस, मतलब कि इसमें समान मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। मतलब अथर्ववेद में बहुत सारे ऐसे चार्म्स, मतलब और बहुत सारे कथाएं या मंत्र ऐसे लिखे गए थे जिसको लोग मानते थे कि जिसको कहने से पढ़ने से हमारी बीमारियां उमरियां सब दूर हो जाएंगी। मतलब इसमें ज्यादातर अथर्ववेद में हमारा अंधविश्वास और विचार भरा हुआ था। फिर ये क्या था, क्रिटिसाइजेस बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये जो हमारा अथर्ववेद था कन्याओं के जन्म को मानता ही नहीं था, निंदा करता था। वो बोलता था कि नहीं, कन्याएं हमारे मतलब जो घर में जन्म लेती हैं तो निंदा की पात्र है, मतलब वो लोग नहीं चाहते थे। अथर्ववेद जो लोग थे वो मानते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि कन्याओं का जन्म हो, निंदा करते थे। फिर क्या था दोस्तों, इसमें अथर्ववेद में सभा एंड समिति को प्रजापति जो महाराज थे उनकी दो पुत्रियां माना गई है। हाँ दोस्तों, ये आपका अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां मानी गई हैं, जिसमें पहला का नाम था सभा, दूसरा का नाम था समिति। फिर इसमें लास्ट क्या था कि परीक्षित राजा थे, उनको कुरु का राजा माना गया। ठीक है, तो अथर्ववेद में फिर से देखते हैं, मनुष्यों के अंधविश्वास विचारों का संग्रह माना जाता है, जिससे वो लोग बीमारियों को दूर करने में मानते थे। फिर इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। फिर इसमें क्या था कि प्रजापति की दो पुत्रियां मानी गई हैं, सभा एवं समिति। फिर इसमें परीक्षित को कुरु का राजा माना जाता था। ठीक है, तो ये हमारा संहिता और वेदा के अंडर में आप लोग चार भाग देखें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं कि वैदिक जो साहित्य थे, पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हम लोग चार चीज देखे थे, संहिता, वेदा तो हो गया आपका, अगला है ब्राह्मण, ठीक है, अरण्य और उपनिषद। अब ये तीन चीज बचा है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम लोग वैदिक साहित्य में वेदा के आगे बात किया जाए तो हमारा दूसरा पड़ता है ब्राह्मण। तो ये दोस्तों ब्राह्मणा था, ये क्या था, ये इसका काम क्या था, वेदा को हाइम को एक्सप्लेन करना। मतलब ये जो वेदा के बाद में बनाया गया हमारा ब्राह्मण, ये क्या करता था कि जितने भी वेदा के श्लोक वगैरह थे उसको एक्सप्लेन करता था, समझाता था कि वेदा में क्या क्या होते हैं। और दोस्तों इसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेज और रिचुअल्स थे, मतलब बलि कैसे दिया जाती है, पूजा पाठ कैसे किया जाता है, ये भी आपको ब्राह्मण में मिल जाएंगे। और हर एक वेदा, आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों ने पढ़ा कि चार वेदा होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेदा के साथ अपने अपने ब्राह्मण जुड़े हुए रहते हैं, जो कि वो ब्राह्मण क्या करते हैं, उस वेदा को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि किस किस वेदा का सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा ब्राह्मण है। अगर हम लोग बात करते हैं ऋग्वेदा, जो सबसे प्राचीन वेदा था ऋग्वेद, तो इसके साथ जो ब्राह्मण है उसका नाम है अथर्ववेद। मतलब कि जो अथर्ववेद ब्राह्मण है वो हमारा ऋग्वेदा के साथ है। दूसरा अगर बात करें यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का दोस्तों ब्राह्मण है सतपथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग दिमाग में ना बैठा के रखिए कि सतपथ ब्राह्मण होता क्या है और ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। दोस्तों ये जो सतपथ ब्राह्मण है सबसे ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणा में से एक है। इससे आपको कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना ब्राह्मणा किसे कहा जाता है, तो आप दोस्तों आंसर क्या दीजिएगा, सतपथ ब्राह्मण। फिर इसमें से क्वेश्चन ये और घुमा के क्या पूछ देगा कि जो सतपथ ब्राह्मण है कौन सा वेदा के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, यजुर्वेद। और दोस्तों सतपथ ब्राह्मण के बारे में और देखते हैं कि ये क्या होता है, ये तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मणा तो है ही, और साथ में इसमें सतपथ ब्राह्मणा में आपको पुरुष मेघा के बारे में बताया गया। पुरुष मेघा क्या होता है दोस्तों, मेल सैक्रिफाइसेज, जब इंसानों की बलि दी जाती थी वो किसमें है, सतपथ ब्राह्मणा में।
अब आइए सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण है दोस्तों वो क्या होता है, पंचविशा, पंचविशा के नाम से जाना जाता है। और हमारा जो सबसे लास्ट है अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो सबसे लास्ट है वो हमारा क्या है, गोपाथा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण एक बार फिर से बताते हैं, इसमें सेक्रीफाइसेज या रिचुअल होते हैं, धार्मिक कर्मकांड, नियम कानून वगैरह होते हैं जो कि वेदा को एक्सप्लेन करता है। चारों वेदा का, चारों ब्राह्मण मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मणा जो कि पुरुष मेगा इसमें पाई जाती है, ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट है ब्राह्मणा में, ये आयुर्वेद के साथ। अब दोस्तों आते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आप लोगों ने वेदा के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण के बारे में पढ़ा, तीसरा होता है अरण्य। अरण्य जाहिर सी बात है दोस्तों, नाम से ही पता चलता है अरण्य का मतलब होता है जंगल झाड़ी। मतलब जो साधु संत या जो स्टूडेंट जंगलों में रहते थे उनके लिए जो नियम और कानून बनाए गए थे वो बुक अरण्य से मिलती है। हाँ दोस्तों, अरण्य कंटेंट्स हर्मिट्स के लिए, हर्मिट्स के लिए और जो साधु संत होते थे उसके लिए जो मतलब टेक्स्ट लिखा गया, नियम कानून बनाए गए, वो आपको अरण्य मिलते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेदा के बाद, वो है हमारा उपनिषद। ठीक है दोस्तों, उपनिषद क्या होता है कि उपनिषद वेदांत भी बोलते हैं, मतलब उपनिषद का एक और नाम क्या है, वेदांत। इसको इसलिए वेदांत बोला गया क्योंकि ये वेदा के सबसे लास्ट में आया। जब भी वैदिक लिटरेचर का हम लोग वैदिक साहित्य का सीरीज चला तो सबसे लास्ट में आने वाला क्या था, हमारा उपनिषद, इसीलिए इसको बोला गया वेदांत। दोस्तों आपको उपनिषद में लगभग 108 उपनिषद पाए जाते हैं। कितने, 108 उपनिषद हमारे उपनिषद में पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पुराना हमारा उपनिषद क्या है, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अरण्य में अरण्यक को मत घुसा दीजिएगा। ये जो बृहदारण्यक है ये हमारे उपनिषद का सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, बृहदारण्यक। दोस्तों उपनिषद से एक क्वेश्चन और आता है कि जो सत्यमेव जयते हम लोग नेशनल एम्ब्लेम के जो नीचे में लिखा रहता है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने नेशनल एम्ब्लेम देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा, कहीं कोर्ट वगैरह में भी देखा होगा, जिसमें नीचे में क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। तो क्वेश्चन उठा के वहां से पूछ दिया जाता है कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप उसका आंसर क्या मानिएगा, मुंडका उपनिषद। फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, मतलब वैदिक ट्रेडिशन में जो लिटरेचर था जो कि लिखा गया था हमारा 600 BC से 600 AD तक, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें हमारा सबसे पहला है वेदांग और सूत्र। वेदांग और सूत्र सबसे पहला हम लोग वैदिक ट्रेडिशन का लिटरेचर मिलता है। दूसरा है हमारा स्मृति। तीसरा है हमारा महाकाव्य जो कि महाभारत रामायण वगैरह थे। चौथा है पुराना। पांचवा है उपवेद और हमारा छठा है सद्दर्शन। दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमारा लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन में हमारा कितने हैं, 6। सबसे पहला है वेदांग और सूत्र, दूसरा स्मृति, तीसरा महाकाव्य, चौथा पुराण, फिर पांचवा है उपवेद, लास्ट है छठा सद्दर्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े कि भाई ये लोग होता क्या है, तो आप इसको अच्छा से आगे देखिए कि इन 6 के बारे में। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वेदांगा में ये अलग अलग से देखते हैं। शिक्षा, शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, मतलब इसमें हम लोग शिक्षा के बारे में बताया गया था, इसका इंग्लिश नाम होता है फोनेटिक्स। शिक्षा में हमारा दोस्तों प्रतिशाख, नाम याद रखिएगा प्रतिशाख। प्रतिशाख क्या, ओल्डेस्ट फोनेटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया का शिक्षा का सबसे पुराना हमारा क्या है, फोनेटिक्स प्रतिशाख। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा हमारा कल्पसूत्र, तीसरा है व्याकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रामर व्याकरण। तो दोस्तों इसमें अष्टाध्यायी एक व्याकरण है, अष्टाध्यायी बुक है जिसको लिखने वाले थे हमारे पाणिनि, मतलब एक महर्षि थे पाणिनि जिन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी। तो दोस्तों ये जो अष्टाध्यायी बुक था ये ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया का सबसे पुराना व्याकरण का किताब है अष्टाध्यायी, और इसके लिखने वाले कौन थे, पाणिनि। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आप याद कर लीजिएगा कि ओल्डेस्ट सबसे पुराना प्राचीन व्याकरण, ओल्डेस्ट ग्रामर है अष्टाध्यायी, लिखने वाले थे पाणिनि। अब हमारा आता है दोस्त निरुक्ता। निरुक्ता मतलब वर्ड, इटिमोलॉजी। निरुक्ता का इंग्लिश वर्ड होता है इटिमोलॉजी, इसका मतलब होता है वर्ड। तो इसमें हम लोग वर्ड से रिलेटेड मतलब जितने भी शब्द होते हैं ना, तो ये क्या है, निरुक्ता के अंदर आते हैं। तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन सबसे पुराना डिक्शनरी है हमारा निरुक्ता। फिर दोस्तों आता है छंद। छंद मतलब मैट्रिक्स, जो नापने उपने का चीज होता है ना उसी को मैट्रिक बोलते हैं।
एक छंद सूत्र बुक थी, छंद सूत्र पुस्तक, जिसको लिखने वाले जो विद्वान थे, लेखक थे, उनका नाम था पिंगल। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको याद कर लीजिएगा कि छंद सूत्र को किसने लिखा था, पिंगल ने। फिर दोस्तों आता है हमारा लास्ट ये वेदांग के अंदर में ज्योतिष। ज्योतिष मतलब समझते हैं ना, हाथ वगैरह देखकर, किसी के माथा देखकर उसकी भविष्यवाणी करना, मतलब ज्योतिष शास्त्र। तो ये हमारा एस्ट्रोनॉमी, इंग्लिश इसका वर्ड होता है। तो ये भी हमारा वेदांगा का सबसे लास्ट ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी। तो एक बुक इस पर भी थी जिसका नाम था वेदांग ज्योतिष, जिसको लिखा था लगद मुनि ने। और ये जो वेदांग ज्योतिष है जो लगद मुनि ने लिखा था, ये भी सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट बुक कौन एस्ट्रोनॉमी होता है दोस्तों। अब फ्रेंड अगला टॉपिक हमारा स्मृति। स्मृति मतलब क्या होता है देख लीजिए। स्मृति के अंदर में भी हमारा छह टॉपिक है, छह हिस्से स्मृति के अंदर में बांटे गए। सबसे पुराना और सबसे पहला स्मृति है मनुस्मृति। ये हमेशा याद कर लीजिएगा कि स्मृति में बाकी सब याद हो या ना हो, लेकिन ये जो मनुस्मृति है इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। क्वेश्चन इसे पूछता है हमेशा। अब इसमें से क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछेगा कि सबसे पूछेगा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि विच इज द ओल्डेस्ट स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति। फिर इस मनुस्मृति मतलब ये किस चीज से रिलेटेड है, मतलब मनुस्मृति में ऐसा क्या था। तो दोस्तों ये मनुस्मृति है, ये लॉ मतलब इसमें कानून के बारे में बताया गया है, और ये शुंग काल के दौरान थी। फिर दूसरा है दोस्तों यज्ञवल्क्य, ये भी एक स्मृति है। तीसरा हमारा है नारद स्मृति, चौथा है पराशर, पांचवा है बृहस्पति, और छठा है कात्यायन स्मृति। मतलब ये सभी स्मृतियां हैं, जिसमें से जो पहली दो हैं मनु स्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति, ये गुप्त काल से पहले आई है, मतलब प्री गुप्ता पीरियड ये लिखी गई है, मनु और यज्ञवल्क्य मतलब पहला दो। और बाकी के जो चार हैं नारद, पराशर, बृहस्पति और कात्यायन, ये गुप्त काल के दौरान लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब चलते हैं अगला पार्ट इसी में वैदिक लिटरेचर का ही, जो हमारा रामायण महाभारत और पुराण है, उसके बारे में भी देखते हैं। आइए चलिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग पुराण के बारे में बात किया जाए तो पुराण में आप ये देखिएगा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ पुराण सबसे ज्यादा कितने पुराण हैं, 18। और इस पुराण को लिखने वाले, इसके रचयिता थे लोमहर्ष, ये याद कर लीजिएगा कि लोमहर्ष थे। और पुराण तो बहुत सारे थे, 18 पुराण आपको पता ही है, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मतलब ऐसे बहुत 18 पुराण है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पुराना पुराण है और सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो दोस्तों पुराण में एक और खासियत थी, जैसे वेदा में हम लोगों को औरतों को और शूद्र को पढ़ना अलाउ नहीं था, मतलब वेद को पढ़ना लड़कियों को, महिलाओं को और शूद्र जातियों को छूट नहीं दी गई थी, लेकिन जो पुराण था पुराण को वो लोग सुन सकते थे, हाँ सिर्फ सुन सकते थे। और उनको पढ़ने वाले कौन थे, पुजारी, जो कि मंदिरों में पढ़ते थे पुराण को, और स्त्रियां और शूद्र उसको सुन सकते थे। तो ये दोस्तों था हमारा पुराण। तो पुराण में आपको क्या पढ़ना है कि सबसे ज्यादा फेमस और सबसे पुराना पुराण था हमारा मत्स्य पुराण। टोटल नंबर ऑफ पुराण हमारे 18। पुराण को लिखने वाले थे लोमहर्ष, और इसमें औरतों को और शूद्र को सुनने का अलाउड था। दोस्तों एक और अलग से आप देख लीजिए कि जो मैत्रेयी संहिता है, जिसमें इस संहिता में स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति के बारे में बताया गया था, मतलब सबसे गिरी हुई स्थिति, मतलब सबसे जो खराब स्थिति चल रही थी स्त्रियों की, वो आपका मैत्रेयी संहिता में था। अब अगला है दोस्तों रामायण। रामायण और महाभारत के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि जो रामायण है उसको हम लोग आदि काव्य के नाम से जाना जाते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना लिखा हुआ काव्य है, जिसको कि लिखे थे हमारे महर्षि वाल्मीकि। मतलब इस रामायण के रचयिता थे, ऑथर थे, राइटर थे वाल्मीकि, जिसमें टोटल 7 कांड पाए जाते हैं, इसमें लगभग 24,000 श्लोक पाए जाते हैं, ठीक है। ये सबसे पुरानी गाथा है, ओल्डेस्ट का इपिक है पूरे वर्ल्ड की। फिर दोस्तों हमारा महाभारत। महाभारत में आप लोग देखिए कि महाभारत के रचयिता थे वेदव्यास, मतलब वेदव्यास ने महाभारत लिखा था। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 18 पर्वन मतलब चैप्टर हैं। इस महाभारत में 18 चैप्टर बांटे गए, जिसमें से ये जो भगवद गीता है, ये इंपॉर्टेंट है कि भगवद गीता
किस चैप्टर से ली गई है। तो दोस्तों भगवत गीता ये भीष्म पर्व से ली गई है। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करें, लेकिन ये आप याद कर लीजिए कि जो भगवत गीता है वो हमारे भीष्म पर्व से ली गई है, और महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है हमारा शांति पर्व, इसको भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फ्रेंड्स ये हमारा है उपवेद। उपवेदा का मतलब होता है वैसे वेदा के अंदर, ऑक्सिलरी वेदा इसका इंग्लिश वर्ड होता है, मतलब इसको सहायक वेदा भी बोली जाती है जो कि ये वेदा के अंदर में होता है। तो दोस्तों आप देखिए कि ऋग वेदा का सहायक वेदा हमारा कौन सा है, आयुर्वेद, जो कि मेडिसिन दवा से संबंधित है। फिर से आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ऋग वेदा का आपका उपवेदा है आयुर्वेद, सामवेद का है उपवेदा आपको गंधर्व वेद, जो कि म्यूजिक संगीत से रिलेटेड है ये, और यजुर्वेद, यजुर्वेद जो वेद है इसका उपवेद मतलब ऑक्सिलरी वेद है आपका धनुर्वेद, जो कि तीरंदाजी से है। फिर हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेदा है शिल्पवेद, जो कि विश्वकर्मा वगैरह आप देखे होंगे कि शिल्प बहुत सारी बिल्डिंगें वगैरह बनती थी, इंजीनियरिंग टाइप की जो भी चीजें होती है वो आपका शिल्पवेद में आती है, जो कि अथर्ववेद के अंडर में आता है। तो ये था हमारा दोस्तों उपवेदा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, फिर से रिवाइज कर देते हैं। ऋग्वेदा का उपवेदा होता है आयुर्वेद, सामवेदा का गंधर्व वेद, यजुर्वेदा का क्या होता है आप देख लीजिए धनुर्वेद, और हमारा जो चौथा है अथर्ववेद इसका उपवेदा होता है शिल्पवेद, इसको आप याद कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं दर्शन, सद दर्शन के बारे में, सिक्स स्कूल ऑफ ये था सद दर्शन, उसके बारे में देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत, अच्छे से देख लीजिए। आइए दोस्तों ये जो टॉपिक हमारा सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जिसको हम लोग सत दर्शन के भी नाम से जाना जाते हैं, ये फिलोसफी का हमारा सिक्स स्कूल है, जिसमें ये जो इधर का इलाका है, इधर का जो पार्ट है आपका ये है दर्शन, जो कि सत दर्शन होते हैं, और इधर आप लोग देखिए कि इसको लिखने वाले फाउंडर कौन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे के पूरे आप याद कर लीजिए, बिल्कुल छोड़िए मत, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है और हमेशा पूछता भी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने रिसर्च करने के बाद देखा कि इससे क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं, तो इसको छोड़ने से क्या फायदा, देख ही लीजिए। तो इसमें जो सबसे पहला है सांख्य दर्शन, यानी कि ये जो सांख्य दर्शन है इसको लिखने वाले हैं कपिल, कपिल मुनि, आप याद कर लीजिएगा कि सांख्य दर्शन को कौन लिखे थे, कपिला। फिर हमारा जो दूसरा है योग दर्शन, पतंजलि, आप लोग नाम सुने योग दर्शन, योगा वगैरह जो होता है, इसके मतलब ऑथर कौन थे, दर्शन का जो हेड कौन थे, लिखने वाले फाउंडर कौन थे, पतंजलि। फिर हमारा है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का हमारा फाउंडर है अक्षपत गौतमा, इसको याद कर लीजिएगा। फिर है वैशेषिका दर्शन, जो चौथा दर्शन है वैशेषिका दर्शन, इसको लिखे थे फाउंडर थे लुक्की कनाडा, ये इनका नाम था। फिर है मीमांसा, दोस्तों मीमांसा का एक और नाम है पूर्व में मीमांसा, तो इनके फाउंडर हैं जैमिनी, इसको याद कर लीजिएगा। फिर है हमारा वेदांता, जो सबसे लास्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है, सद दर्शन है, वह है वेदांता, जिसको हम लोग उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, इनके फाउंडर बद्रयायन। तो उम्मीद है आपको पूरा याद हो गया होगा, फिर से रिवाइज कर लीजिए, सांख्य दर्शन कपिला, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन अक्षपत गौतमा, चौथा है वैशेषिका दर्शन उल्लुक कनाडा, फिर है मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांता उत्तर मीमांसा बद्रायन, इसको बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हिस्टोरिकल, ये तो आपने स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ के बारे में आपको पूरा हो गया कंप्लीट कि धर्म ग्रंथ से ये सोर्सेस थे एंशियंट हिस्ट्री के। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो हिस्टोरिकल, मतलब जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो जो लिखे थे इंपॉर्टेंट ऑथर, उनसे हम भी हम लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चला। अब अगला टॉपिक वही है कि हिस्टोरिकल बुक से, ऐतिहासिक ग्रंथ से हम लोगों को क्या क्या मिला और उसके लिखने वाले कौन थे, उसको भी आप लोग अच्छे से देखिए। हिस्टोरिकल बुक मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से दोस्तों हम लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चला है। अब जानते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में से बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचनाएं हुई हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या हुए थे। सबसे पहला दोस्त यह है जातका, जातका में आपसे ये क्वेश्चन भी आता है कि जातका होता क्या है, तो ये जो जातक है ये महात्मा बुद्ध की, जो लॉर्ड बुद्धा थे उनके पुनर्जन्म की कहानी वगैरह के बारे में ये जातका में दिया हुआ है। फिर दोस्तों आता है जैन धर्म में जो साहित्य हुआ था, जैन साहित्य को हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो जैन साहित्य है इसका
और एक नाम है आगम। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आगम क्या है, व्हाट इज आगम, तो आप लोग क्या मारिएगा, जैन साहित्य, जैन लिटरेचर। तो इसमें भी देखिएगा कि जैन धर्म का पहला इतिहास, मतलब कि जैन धर्म का जो सबसे फर्स्ट हिस्टोरिकल था वो था कल्प सूत्र। फिर है जो भागवत सूत्र, ये जो भागवत सूत्र है इसमें लॉर्ड महावीरा, जैन धर्म का जो ये जो एक महावीरा जो इम्पोर्टेंट थे, 24वें जो गुरु थे, इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में जिस पुस्तक में, जिस साहित्य में इनका वर्णन है, इसके इनके पूरे लाइफ स्पैन के बारे में, वो है भागवत सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा भगवती सूत्र, ये है महावीरा के बारे में। फिर अर्थशास्त्र के बारे में तो बहुत सारे लोग आपको पता ही होगा कि इसको लिखे थे चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। हाँ दोस्तों, चाणक्य का एक और नाम क्या है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का क्या क्या नाम है। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। फिर दोस्तों संस्कृत साहित्य, मतलब संस्कृत लैंग्वेज में जो सबसे पहला ऐतिहासिक घटनाओं को चरणबद्ध किया था, ये हमारे कल्हण ने किया था। तो कल्हण ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है रजत तरंगिणी। ठीक है, ये जो रजत तरंगिणी है इसमें कश्मीर की इतिहास के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो आपके हाथ का इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये जो है राज तरंगिणी किसने लिखी थी, रजत तरंगिणी किसने लिखी थी, कल्हण ने लिखी थी और ये कश्मीर पर है। फिर एक और बुक है छछनामा, जिसको कि अली अहमद ने लिखा था। ठीक है, इसमें अरब और सिंध के बारे में दिया हुआ है। फिर है एक गार्गी संहिता, ये आप याद रखिएगा कि गार्गी संहिता को किसने लिखा था, कात्यायन ने लिखा था। इस ये तो गार्गी संहिता जनरली ज्योतिष शास्त्र के ऊपर थी, ज्योतिष थी, लेकिन इसमें इस गार्गी संहिता में यवनों के भारत पर आक्रमण वगैरह के बारे में भी बताया गया था। फिर है दोस्तों महाभास, इसको लिखे थे पतंजलि। तो ये जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र शुंगा के कोर्ट में रहते थे, दरबारी थे, वैद्य थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है महाभास, ये शुंगा के बारे में पूरे डिटेल में बताती है। तो ये दोस्तों आप फिर से देख लीजिएगा, जातका बुद्धा के बारे में था, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जैन धर्म का पहला इतिहास कल्प सूत्र, फिर भगवती सूत्र में महावीरा के जीवन लेखन के बारे में दिया हुआ है, अर्थशास्त्र को लिखने वाले थे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। फिर है हमारा संस्कृत साहित्य, कल्हण ने लिखा था राज तरंगिणी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। फिर छछनामा अली अहमद ने लिखा था। फिर गार्गी संहिता ज्योतिष बुक थी, इसको कात्यायन लिखा था। ठीक है, फिर महाभास को लिखने वाले थे पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में थे और इन्होंने शुंगा डायनेस्टी के बारे में लिखा। एक में हम लोग देखेंगे विदेशियों से डिटेल्स ऑफ द फॉरनर। फ्रेंड्स, जो कि विदेशी जो रहते थे पुराने जमाने में, वो हमारे देश में घूमने फिरने के लिए इंडिया में आए और यहाँ से जाने के बाद जो अपने देश जाते थे, तो बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी, जिसमें उन्होंने हमारे देश के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया था कि कैसे वो वहाँ भारत देश में आए, किस राजा के पास रुका, वहाँ रुकने के बाद उनको क्या क्या देखने के लिए मिला, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ का समाज कैसा था, यहाँ के देश कैसा था, ज्योग्राफी कैसा था, भूगोल कैसा था। मतलब कि जो भी वो लोग आते थे इंडिया में, वो इस देश का वर्णन अपने किताबों में कर दिए थे और उसी किताबों के माध्यम से हम लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में भी पता चलता है कि हमारा प्राचीन इतिहास कैसा था। तो आइए हम लोग डिटेल से देखते हैं कि किस देश से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट ट्रैवलर या फॉरनर हमारे देश में आया और उसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, इन सबको हम डिटेल अच्छे से देखेंगे। चलिए देख लीजिए, अगर हम लोग यूनानी और रोमन लेखक के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है टेसियस, जो कि ईरान का राजवैद्य था, हमारे भारत में आया था, भारत के बारे में बताया था। सेकेंड स्थान पर दोस्तों हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, मतलब ये फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इस हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, जो कि 5th century BC 5वीं शताब्दी के आसपास में लिखी गई थी। और इस पुस्तक में भारत और ईरान, भारत और फारस के बारे में, संबंधों के बारे में बताया गया था। फिर जो
थर्ड नंबर है सिकंदर के साथ बहुत सारे लेखक आए थे जैसे निर्याकस, आने, सिक्रेटस और आस्टिटोबुलस, मतलब ये सब जैसे सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। और जो चौथा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेगास्थनीज, मेगास्थनिक जो थे ये सेलेकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्योगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। फिर पांचवें नंबर पर है दोस्तों डाइमेकस या सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। हमारा जो छठवां है वो है डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। फिर सातवां है टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। इससे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भारत का भूगोल किसने लिखा था, तो आप क्या बोलिएगा, टॉलमी। फिर दोस्तों आठवां नंबर पर प्लिनी, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों था, क्योंकि इसने प्रथम शताब्दी में एक नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। हाँ, इसने एक पुस्तक लिखी थी टॉप प्लिनी ने जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अब चीनी लेखक के बारे में बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला स्थान हमारा है फाहियान का। अब फाहियान के बारे में देखिए क्या है, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था जिसको विक्रमादित्य के नाम से बोला जाता है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा, मतलब फाहियान जो था गुप्त नर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सेकेंड नंबर पर है दोस्तों हमारा संयुंगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा है, ये भी चीनी लेखक में सबसे इम्पोर्टेंट फाहियान के बाद इसका भी स्थान आता है हेन सांग का। तो ये जो हेन सांग था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, मतलब जब भारत के राजा हर्षवर्धन थे तब ये हेन सांग चाइना से हमारे कंट्री में आया था। हेन सांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। कौन, हेन सांग। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वितरांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। दोस्तों एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि हेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शैलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, मतलब कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। और जब हेन सांग आया था हर्षवर्धन के रीजन में तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शैलभद्र। अगर अरबी लेखकों के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है अल बरूनी। तो दोस्तों ये जो अल बरूनी लेखक था जो भारत के विषय में लिखा था, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। हाँ, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी जो अरबी में लिखी गई उसकी एक कृति थी, उसकी एक पुस्तक थी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है।
तो दोस्तों ये जो अलबरूनी था, ये इससे दो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलबरूनी जो थे वो किसके साथ में आए थे भारत, तो महमूद गजनवी के साथ। फिर किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज किसने लिखी थी, तो आपका आंसर होगा अलबरूनी। अब अरबी लेखक में हमारा दूसरा है इब्न बतूता, तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहाला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है इसका रिहाला, जबकि इब्न बतूता ने लिखा था। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक लिखी थी रिहाला, और ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इस टॉपिक में देखेंगे हम लोग दोस्तों कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब पुरातत्व। आर्कियोलॉजी मतलब होता है क्या, आर्कियोलॉजी मतलब होता है दोस्तों जब भी हम लोग खुदाई करते हैं उसमें से जो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो उसका अध्ययन करने के बाद जो उससे जानकारी होती है इसी को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप कहीं खेत में गए, वहां से आपने कुछ खेती कर रहे हैं, गड्ढा खोदते खोदते अचानक आपको सिक्का से भरा हुआ मतलब मिल गया, ये घड़ा मिल गया, तो घड़ा देखने के बाद आप चौंक जाइएगा कि भाई ये सिक्का मिल गया, तो इसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो उस घड़ा को लेके जाइएगा अपने घर, अपने लोगों को दिखाइए कि भाई ये किस काल का है, तो उसमें जो सिक्का हो गया उससे लगभग सबको अंदाजा लग जाता है कि ये बहुत ही पुराना है, और कितना पुराना है ये आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे करने वाले लोग हैं उनको पता चल जाता है कि वो भी जो पुरातत्व से खुदाई करने के बाद जो निकला वो कितनी, उसकी उम्र कितनी है, उसका कितना साल से वो पुराना है, तो इसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। तो आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व से जो खुदाई करने के बाद भी जो हम लोग को ऐसे ऐसे चीज़ें मिली जैसे अभिलेख मिले, पिलर मिले, उनको देखने के बाद, उनको समझने के बाद हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, जिसमें से आप बोगाजकोई के बारे में, मैंने आपको पहले बता दिया है कि बोगाजकोई में कैसे हम लोग आर्यंस के बारे में डिटेल पता चला, ये बोगाजकोई एशिया माइनर तुर्की में, उससे हम लोग को ये मालूम चला था कि आर्यंस के बारे में पता चला था, मतलब बोगाजकोई इंस्क्रिप्शन में क्या था, वैदिक गॉड के बारे में बताया गया था, चार वैदिक गॉड के बारे में इसमें बताया गया था। फिर दोस्तों ये सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हम लोग हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है, मतलब हाथी गुम्फा अभिलेख में हम लोग सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र वहीं से मिलता है। फिर दोस्तों सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख, मतलब सिक्कों पर लेख सबसे पहले आपको यवन शासकों ने किया था, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता भी है कि भाई सर्वप्रथम सबसे पहले सिक्कों पर अभिलेख किसने लिखा था, तो आपको यवन शासक मानना होगा। फिर दोस्तों ये है अरिकमेडू जो पुडुचेरी साउथ इंडिया में है, अरिकमेडू के पास में आपको सबसे पहला रोमन सिक्के मिले थे, ठीक है। तो हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बात करते हैं, तो इसमें पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में ये बना था। फिर है जूनागढ़ गिरनार जो कि रुद्रदमन या याद कर लीजिएगा शासनकाल। फिर नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। फिर है प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के दौरान आया था, याद कर लीजिएगा। फिर है एहोल अभिलेख पुलकेशन टू शासक था। फिर मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो वर्मन। फिर ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। फिर है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। फिर देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। तो इसमें दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप हाथी गुम्फा राजा खरवेल याद कर लीजिएगा, जूनागढ़ जो गिरनार में था गुजरात रुद्रदमन के दौरान, फिर प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, फिर एहोल अभिलेख पुलकेशन टू, और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल में मिला था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें आगे एक चीज और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख मतलब क्या आता है, जो दीवारों पर पिलरों पर जो कुछ चीज लिखा जाता था उसे अभिलेख कहा जाता था, और इन अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग इपिग्राफी कर लेते हैं। फिर आगे देखिए कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो उत्तर भारत में जो मंदिर थी वो किस शैली में बनती थी,
तो आपका आंसर होगा नागर शैली, और जो दक्षिण भारत की जो मंदिर थे वो द्रविड़ शैली में बनती थी। और दक्षिण पंथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती थी। मतलब फिर से देख लीजिए, उत्तर भारत नागर शैली, दक्षिण भारत द्रविड़ शैली, और जो दक्षिण पंथ था उनके जो मंदिर थे वो वेसर शैली, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिलन था। फिर दोस्तों, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली कहलाता है, जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा रहता है। मतलब एक मंदिर के आगे चार गो मंदिर रहता है। इससे एग्जाम्पल है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये सभी पंचायतन शैली की एग्जाम्पल है।